वेलकम बैक मग कशा हाथ तुम्हें और आपके लिए एक्सक्लूसिव रेडमी के 70E मतलब पोको का X6 प्रो लेके आ चुके हैं। भाई साहब इतना तगड़ा पावरफुल फोन देखने मिलता है क्योंकि इसके अंदर हमें डेमेंसिटी 8300 देखने मिलता है। बट ये प्रोसेसर कहाँ तक सस्टेन कर पाता है परफॉर्मेंस में, आगे सब कुछ वीडियो में टकाटक आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यार इसके अनटू लगभग 12 लाख के अराउंड देखने मिलते हैं और ये भी इतने कम प्राइस में। ये फोन चाइना में लगभग 23-24,000 के आसपास लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, पर इंडिया में आते आते 1-2,000 बस बढ़ जाएंगे। तो ये फोन इस प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, सब कुछ टकाटक आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपके पास लॉन्च से पहले फोन कैसे आ गया। देखो, हमने साहिल भाई के थ्रू चाइना से इस फोन को मंगवाया है क्योंकि यार हम चाहते हैं कि आपको ना इंडिया में आने से पहले ही सब कुछ पता चले, मतलब आप बेटर डिसीजन ले पाए। और हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है तो थोड़ा सा भी आपको अप्रिशिएट करना है तो 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं और फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको ना मैं क्विकली इसके अंदर क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलता है, मतलब बॉक्स कंटेंट बता देता हूँ। सबसे पहले पेपर वर्क देखने मिलता है और इसके साथ एक ब्लैक हार्ड केस भी आता है जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऑफ कोर्स बॉक्स के अंदर फोन भी देखने मिल जाता है, उसके साथ हमें 90 वाट का फास्ट चार्जर भी इसके साथ देखने मिलता है और नॉर्मल आपको टाइप सी वाली केबल भी देखने मिल जाती है और सिम इजेक्टर टूल तो होता ही है बॉक्स के अंदर। और जैसे फोन को मैंने बॉक्स से बाहर निकाला, ओ भाई एक नंबर देख रहा है यार फोन, क्योंकि बॉक्स ही डिजाइन के साथ आता है। और हाँ, ये मिंट कलर के साथ है, थोड़ा सा व्हाइट टाइप और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड किया है। बट हाँ यार, बैक के ऊपर ज्यादा ही स्मजेस आते हैं और मतलब फिंगर मैग्नेट है। और ये जो बैक है ना, ये हमें प्लास्टिक का देखने मिलता है बट हुबेहू ग्लास जैसा ही फील देता है। बाकी यहाँ पे बात करें वेट की तो 198 ग्राम का देखने मिलता है। बाकी टॉप साइड में आयर ब्लास्टर है और हाँ ड्यूल स्पीकर देखने मिलते हैं, तो उसका एक ग्रिल यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पे ऊपर साइड में माइक्रोफोन भी देखने मिलता है। और नीचे के साइड में बात करें तो यार 3.5mm का हेडफोन जैक होना चाहिए था क्योंकि एज अ गेमिंग फोन ही बिहेव करता है, बट इसके अंदर नहीं है सैडली। बट सामने के साइड से डिजाइन की बात करें तो देख लेना यार, बेजल लेस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, बेजल्स भाई ना के बराबर। तो यार ये रेडमी ना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जितने मैंने देखे रेडमी नोट 13 प्रो, प्रो प्लस और ये फोन, इनके अंदर यार ना के बराबर बेजल्स है। तो ऐसा फील होता है ना कि ये कोई 30-35 हजार के फोन है जबकि ये 25 हजार वाले फोन है। तो ये सही लगा, बेजल्स ना के बराबर देखने मिलते हैं। तो ओवरऑल डिजाइन देखो ठीक ठाक सी यहाँ पे देखने मिलती है। हम बैक थोड़ा सा ना यहाँ पे मैट फिनिश टाइप बनाते तो अच्छा रहता क्योंकि ये ज्यादा ग्लॉसी है और ज्यादा फिंगर मैग्नेट है। अब यार फोन कौन सा भी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले, क्योंकि यार क्या यूज करते हैं हम फोन के अंदर सबसे ज्यादा, डिस्प्ले, वीडियो देख लिया, जो भी करना है डिस्प्ले के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो डिस्प्ले कैसा है इस फोन का, अब देखो इसके अंदर हमें 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, 128 Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने मिलता है। और मैंने इंडोर में भी देखा, आउटडोर में भी देखा, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, डायरेक्ट हर स्लाइड कंडीशन पे टकाटक विजिबिलिटी देखने मिलती है, इसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जितना मैंने देखा यूट्यूब के अंदर 4K HDR का सपोर्ट टकाटक देखने मिलता है, उतना ही नेटफ्लिक्स के अंदर भी हमें HDR10 विद डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने मिलता है। बट हमने ये भी नोटिस किया है कि 4K HDR वीडियोज़ ना थोड़ी सी यार अटक जाती है, कभी कभी अटकती है, कभी कभी स्मूथ चलती है। अभी देखो स्मूथ चल रही है बट अचानक से यहाँ पे अटक जाती है, ये भी थोड़ा नोटिस हुआ है। तो हाँ, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन तो तगड़े देखने मिलते हैं बट वीडियो क्वालिटी कैसी है, तो वीडियो क्वालिटी भी यार मस्त देखने मिलते हैं, मस्त आप वीडियोज इसके अंदर इंजॉय कर सकते, ऐसी कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मस्त मस्त कलर्स वगैरह उभर के आते हैं। बाकी वाइड 1L1 भी देखने मिलता है, तो फुल HD में भी वीडियो आप स्ट्रीम कर सकते हो। अभी रेडमी के अंदर हमें इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर भी देखने मिलता है। और स्पीड भाई साहब क्विक है यार, क्विक मतलब ठक से अनलॉक, फटाफट और टक टक फील आता है क्योंकि वाइब्रेशन मोटर भी हमें फ्लैगशिप लेवल की देखने मिलती है। कुछ टाइप कर रहे हो यहाँ पे रिसेंट पे आ गए तो टक टक जैसा महसूस होता है। बाकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे इसके मुझे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, रेडमी ने यार बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है, पता नहीं कैसे, बट स्पीकर यार रेडमी नोट 13 प्रो, प्रो प्लस देखा मैंने, ये फोन देखा, स्पीकर एक नंबर देखने मिलते हैं, ड्यूल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये चाइनीज वेरिएंट हो के भी इसके अंदर 5G टकाटक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जियो का सिम कार्ड इसके अंदर इंसर्ट है और लगभग 11 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं और कोई दिक्कत नहीं यार 5G के रिगार्डिंग। तो नेटवर्क में तो बिल्कुल समस्या नहीं है और इंडिया में आते आते तो बिल्कुल होने वाली यहाँ पे नहीं है। बाकी मेरी तरह आप भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। देखो डेमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, अभी यार अलग अलग नाम आ रहे हैं, बस ये प्रोसेसर सेम ही होते, नाम चेंज होते रहते हैं, ये प्रोसेसर देखने मिलता है। और जितना मैंने इस प्रोसेसर को टेस्ट किया ना, देखो यहाँ पे अनटूटू में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अब जिनको यार नंबर पसंद आते हैं, मतलब नंबर में परफॉर्मेंस को जज करना पसंद आता है उनके लिए, बाकी मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रहा है यही देखता हूँ आगे
आगे बताऊंगा। तो लगभग 13 लाख के अराउंड इसके अनटूटू अभी करंटली देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें तो 77% की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। मतलब कहीं ना कहीं इतना भी ज्यादा स्टेबल ये नहीं है अभी के टाइम पे, मतलब स्टेबल परफॉर्मेंस मिले। बट जो ग्राफ है ना, धीरे 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 एलोविश हो रहा था, बट यहाँ पे रेड ऐसी अचानक से रेड लाइन आई ऐसे नहीं हुआ, तो ये चीज सही लगी। बाकी मैंने जीएसएम आरेना पे पढ़ा कि यूएफएस 4 दिया है, बट जो रीड रेड स्पीड है 3.1 जैसी आती है। बट हाँ, तो यूएफएस स्टोरेज तो सही है, बट ओवरऑल यहाँ पे ना आप जज कर लेते हो ना परफॉर्मेंस स्कोर से प्रोसेसर को, तो ये एक तगड़ा प्रोसेसर है। बट मैं कैसे जज करता हूँ, मैं गेमिंग खेल के जज करता हूँ। और मैंने सबसे पहले क्या किया, बीजीएमआई इंस्टॉल किया, और बीजीएमआई के अंदर अभी भी ग्राफिक्स के अंदर जाते हो तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास रेडमी का K50i भी है, उसके साथ लेके आएंगे वीडियो। बट उस फोन के अंदर हमें डेमेंसिटी 8100 देखने मिलता है, जो 90 FPS को सपोर्ट करता है, बट ये फोन करंटली 60 FPS को सपोर्ट कर रहा है। और जितना मैंने 1-2 घंटे इसके अंदर बीजीएमआई टेस्ट किया, बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं है, 60 FPS मस्त चल रहे थे, 55-60 FPS रहे थे। और जायरो भाई इतना स्मूथ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गेमिंग के अंदर। तो मतलब हमने कुछ ऐसे तगड़े फाइट्स भी खेले जहाँ पे ज्यादा बंदे आते हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल ये ड्रॉप नहीं मार रहा था। तो मेरे हिसाब से जो प्रोसेसर है ना पावरफुल है ना, उसका असर कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर देखने मिलता है, और गेमिंग सही चल रही थी, ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट यार आजकल हम सॉफ्टवेयर भी देखने लगे कि फोन के साथ सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज देखने मिलता है। ओवरऑल यार फोन कितना भी पावरफुल हो और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो क्या ही फायदा है। तो इस फोन के अंदर हमें हाइपर ओएस देखने मिलता है। हाँ ये चाइनीज यूनिट है, तो हाइपर ओएस के साथ आया, और मे बी यार इंडिया में आते आते हाइपर ओएस ही आ जाए। तो यार सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है, इतने चाहे मैंने एप्स ओपन करके देखे, एनिमेशन यार बहुत ज्यादा स्मूथ देखने मिलते हैं, सुपर स्मूथ सॉफ्टवेयर फील होता है। हाँ ये चाइनीज वेरियंट है, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स के साथ आता है, बट इंडिया में आते आते वो करते हैं कि यार ऐसे फालतू के एप्स ना आ जाए। बट हाँ यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखा 120 हर्ट्ज का देखने मिलता है, और सारे थर्ड पार्टी एप्स के साथ चलता है, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो रिफ्रेश रेट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। बट हाँ एक चीज बताना भूल गया था कि ये जो बेस वेरियंट है ना 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और उसके ऊपर ही आपको हायर वेरियंट देखने मिलते हैं। बट यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह हो गया, इनका खुद का थीम इंजन भी देखने मिलता है, और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी देखने मिल जाते हैं, जो यार आपको पता है कि आईफोन के अंदर आया था वही टू वही सेम इसके अंदर भी देखने मिलता है। बाकी आप इजीली कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि इनका खुद का डायलर यहाँ पे देखने मिलता है। बट ऐसा फिजिकल यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर मुझे देखने नहीं मिल रहा, ये डिस्प्ले बेस्ड है, और जितना हमने अभी तक यूज किया इसे कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बट हाँ आगे भी वीडियो आएंगी, और जितना हम ज्यादा यूज करेंगे कुछ दिक्कत आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बट इस फोन का कैमरा कैसा है देखो, यहाँ पे हमें मेन कैमरा 64 MP विद OIS देखने मिलता है, बाकी 8 MP अल्ट्रा वाइड, और सेल्फी कैमरा हमें 16 MP का देखने मिलता है। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले फोटो निकाल के ना आपको डायरेक्ट यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको बेटर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल शॉट ले इंडोर में, तो हाँ यार फोटोज मस्त आ रहे थे। बाकी आउटडोर में भी हमने चेक किया तो डायनेमिक रेंज वगैरह बिल्कुल सही आ रही थी, इसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, और फोटोज के अंदर डिटेल्स भी थी। बाकी अल्ट्रावाइड ट्राई किया तो 8 MP के अल्ट्रावाइड से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड से, मस्त फोटोज आ रहे थे और एच डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली हो रहा था। बाकी हमने ना थोड़ी से लो लाइट में भी पोर्ट्रेट मोड ट्राई किया तो मस्त आ रहे थे यार। बाकी सेल्फी में थोड़ा सा ज़्यादा ही गोरा गोरा बना देता है, और हाई मेगापिक्सल मतलब 64 MP की बात करें तो यहाँ पे डिटेल इनफ देखने मिलती है। बाकी 4K 30 FPS देखने मिलता है, और इसके अंदर भी वेल स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, और 1080p 60 FPS भी देखने मिलता है, और ऐसी कुछ वीडियो क्वालिटी देखने मिलती है। तो कैमरा यार अच्छा लगा मुझे, बट मन में एक क्वेश्चन आता है कि हाँ यार इतना तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर है तो बैटरी कहीं ना कहीं फास्ट ड्रेन करता होगा। देखो यार ये प्रोसेसर 4nm का बना हुआ है, और इसके अंदर हमें 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, ये बैटरी कम नहीं होती है। तो यहाँ पे पकड़ के चलो हम 1-2 दिन से इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो पूरा दिन आराम से यहाँ पे निकल रहा है, मतलब फोन सुबह चार्ज करके 100% निकाल दिया तो रात में ही चार्ज करना पड़ता है, दिन में चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है। मे बी आप ज्यादा गेमिंग खेलोगे और चार्ज लगाने की नौबत आ जाए तो इसके साथ 90 W का फास्ट चार्जर आता है, जो फोन को लगभग 33 से लेके 38 मिनट के बीच में फुल चार्ज कर देगा। तो ओवरऑल जो बैटरी लाइफ है ना ये भी कमाल की देखने मिलने वाली है, तो ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनल दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या इस फोन का वेट करना चाहिए, या आने वाले समय पे बहुत ज्यादा फोन आने वाले हैं तगड़े तगड़े तो वो बाय करने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से ये फोन 1-2 महीने के अंदर इंडिया में आएगा, तो आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो तो डेफिनेटली इस फोन का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल प्रोसेसर देखने मिलता ही मिलता है, बेजललेस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, टकटक वाली वाइब्रेशन मोटर है, और
सॉफ्टवेयर आई थिंक हाइपर ओएस के साथ ही आएगा और सॉफ्टवेयर भी ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लोग ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ज्यादा गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही है और बैटरी लाइफ भी कमाल की है, तो ऐसे बंदे जिनको परफॉर्मेंस चाहिए अपने फोन के अंदर गेमिंग के लिए या गेमिंग बेटर चलनी चाहिए, तो वो बंदे डेफिनेटली इस फोन का आपको जरूर वेट करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे आप मार्केट में देखते हो ना 25 से लेके 26,000 के आसपास ना ऐसे बैलेंस लेवल के प्रोसेसर ही देखने मिलते हैं जिनकी कैपेबिलिटी गेमिंग की इतनी कुछ खास नहीं है, बट ये गेमर्स के लिए एक वरदान हो सकता है इस प्राइस रेंज में आया तो। और मेरे हिसाब से आपको जरूर इस फोन का वेट करना चाहिए। बाकी हाँ, इस फोन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या अच्छा लगा तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको और कौन कौन से इस फोन के साथ वीडियो चाहिए डेफिनेटली नीचे जरूर कमेंट कर लेना, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी चैनल के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।